हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। यूपी बीएड सेकंड राउंड की काउंसलिंग फ़ीस जमा करने की तारीख बढ़ गई है। जी हां, सेकंड राउंड की काउंसलिंग शुरू हो गई है। कितनों ने फीस जमा कर दी है, पैसा फंसा है तो क्या करें, कितने सीटें अभी बची हैं पोल काउंसलिंग में, किसको किसको मौका मिलेगा, तो इन सभी बातों पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इसी तरह के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएड काउंसलिंग दूसरे दौर में 25,000 ने फीस जमा की। बीएड में दूसरे दौर की काउंसलिंग के लिए पहले दिन 25,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने फीस जमा की है। वहाँ कुछ ऐसे मामले भी सामने आए जिनमें एक ही छात्र की दो तीन बार खाते से फीस कट गई है। परीक्षा समन्वयक का कहना है कि ऐसे छात्रों की फीस काउंसलिंग पूरी होने के बाद सत्यापन करके वापस की जाएगी। सोमवार से बीएड के दूसरे चरण की काउंसलिंग में शामिल होने अभ्यर्थियों की फीस जमा होने लगी। दूसरे चरण की काउंसलिंग में 1.21 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 1.12 लाख अभ्यर्थियों ने प्रवेश के लिए कॉलेज लॉक किए हैं, यानी कि इसमें 10,000 इसमें भी बच गए थे। यह अभ्यर्थी 26 जून की रात 11:59 यानी कि 12 बजे तक फीस जमा कर कॉलेज आवंटित कर डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि ये डेट पहले 25 तक थी, बढ़ा के 26 तक कर दी गई, यानी कि एक दिन बढ़ा दिया गया है। फीस जमा कर आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। परीक्षा के राज्य समन्वयक प्रोफेसर बीआर कुतरेती के मुताबिक 25,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने फीस जमा की है पहले दिन। वहीं दूसरी बीएड हेल्पलाइन पर अभी कुछ फीस वापसी के लिए कॉल कर रहे हैं। पहले चरण में काउंसलिंग में इन अभ्यर्थियों की फीस ऑनलाइन ट्रांसफ़र के दौरान खाते से दो तीन बार कट गई थी। प्रोफेसर कुकरेती ने बताया कि इन अभ्यर्थियों को कह दिया कि काउंसलिंग प्रक्रिया होने के बाद इनकी अतिरिक्त फीस वापस कर दी जाएगी। उसके अलावा एक और देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं बीएड में 1.12 लाख अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के दूसरे चरण की काउंसलिंग में 1.12 लाख अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिए कॉलेज आवंटित हो गए हैं। सीट आवंटन से पहले दिन करीब 25,000 अभ्यर्थियों ने फीस जमा करके प्रवेश प्रक्रिया पूरी कराई। प्रदेश के बीएड में करीब 92,500 सीटों पर प्रवेश हो चुके हैं। आवंटित सीटों के मुताबिक अभ्यर्थी 25-26 जून तक फीस जमा कर सकते हैं। डेबिट कार्ड से फीस भुगतान को लेकर टोल फ्री नंबर पर शिकायतें आ रही हैं। अभ्यर्थियों ने बताया कि फीस नहीं जमा हो रही, तो अभी तक कुल मिला के 92,500 सीटें भरी हैं। अभी लगभग कि 80,000 सीटों पर दावे हैं, लेकिन इसमें से मैक्सिमम आपका 60 से 65,000 ही सीट, बहुत ज़्यादा 60,000 ही सीट भरने की उम्मीदें हैं। तो इसमें अभी आप देख लेते हैं 9, 6, 15 करीब 1.5 लाख ही सीटें भरेंगी, तो आपके पास अभी ऑप्शन रहेगा 50,000 सीटों से अधिक खाली रह जाएंगी, या 50,000 से अधिक सीटें खाली रह जाएंगी पूल काउंसलिंग के लिए। जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज अलाट नहीं हो पाया है किसी वजह से, वो कॉलेज अगर उनको अपने मन पसंदीदा कॉलेजों में अगर सीट बची है तो वो पूल काउंसलिंग करा सकते हैं। इसके अलावा आप जो दूसरे कॉलेजों में भी जहाँ पे सीटें काफ़ी बचेंगी वहाँ पे आप अपनी पोल काउंसलिंग करा सकते हैं। तो ये रही सारी अपडेट्स। अगर आपके सवाल अभी भी, हाँ एक सवाल का, पैसा फंसा है तो आप क्या करें, पैसा फंसा है तो यूपी बीएड की वेबसाइट पे आप जाके वहाँ पे टोल फ्री नंबर है उस पे सीधे कॉल करके आप कंप्लेन करा सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन आपके पास है तो आप ये कर सकते हैं। बाकी कितनी सीटें बची हैं पोल काउंसलिंग में, जितने अभ्यर्थी ने एडमिशन नहीं लिया उन सभी को मौका मिलेगा। हालांकि जिनको सीट आवंटित हुई थी, ये सीट आवंटित नहीं हुई है उनकी फीस वापस आ जाएगी, और जिनकी सीट आवंटित कर दी गई है और वो यदि उन्होंने कॉलेज नहीं लिया तो उनको फीस वापस नहीं होगी। और उसी के साथ साथ जो जिनकी सीट आवंटित नहीं की गई थी वो पोल काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं तथा वहाँ पे 2750 रुपये आपको अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे। तो ये सारी अपडेट्स रही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।